वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एलटी कमीशन से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। वैसे तो देखो, नाम तो हम इसे एलटी टेट का दे रहे हैं, परंतु अगर कोई हिंदी साहित्य की और भी परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा तो उसके लिए भी ये प्रश्न पत्र है जो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, देखने के लिए थोड़े से प्रश्न होंगे, परंतु जो इससे आगे प्रश्न निकलेंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, पहला, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्तियुद्ध बोध विधायनी स्फुरंती सत्कवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्मुखी। तो जो ये उक्त कथन है किसका है? आपको उत्तर पहले ही दिख गया है, कोई बात नहीं। तो जो इस प्रश्न का उत्तर होगा, उक्ति होगी, तो ये हो जाएगी यहाँ पर बागभट की, जो बागभट जी का ये कथन हो जाएगा। पूर्ण संस्कृत में लिखा गया ये कथन है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आगे आपसे परीक्षा में से पूछा जा सकता है। फिर देखिए, यहाँ पर जो उक्त कथन संस्कृत आचार्य बागभट का है, जो बागभट जी थे ये संस्कृत आचार्य थे। बागभट ने नवीनता और उसके ललित पदों में अभिव्यक्ति दोनों को सर्वोत्मुखी कहा है। किसको? बागभट ने नवीनता और उसके ललित पदों में अभिव्यक्ति दोनों को सर्वोत्मुखी कहा है। इस प्रकार पूर्ण युक्तियों का उद्बोधन करने वाली सभी दिशाओं में फैलने वाली चमत्कार पूर्ण बुद्धि को प्रतिभा वे कहते हैं। ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है। प्रतिभा अथवा प्रतिभा का ही दूसरा नाम शक्ति भी है। प्रतिभा अथवा शक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसके संबंध में आचार्यों ने अनेक मत प्रस्तुत किए हैं, जो यहाँ पर देखिए, पहला मत ये है जो हमने ऊपर देखा। तो दूसरा मत ये हो जाएगा, प्रज्ञा नवो नवेश शालिनी प्रतिभा मत। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कथन रहता है। किसका ये कथन होगा? भट्टौत का हो जाएगा, आगे ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अर्थ या नव्य विषय को नए नए रूप में प्रकट करने वाली प्रज्ञा प्रतिभा है, हिंदी में इसका ये अर्थ निकलता है। इसका भी आप ध्यान रखिएगा, हो सके तो नोट भी आप कर सकते हैं। अगला देखिए, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा क्या है? जो ये कथन कहा गया है अभिनव गुप्त का है, आगे इसको परीक्षा में पूछा गया है, हालांकि अभी तक इसे पूछा नहीं गया है पर पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका क्या तात्पर्य निकलता है? अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम प्रज्ञा प्रतिभा है। फिर आगे है, प्राकट नाघाटन संस्कार परिपाक प्रौढ़ प्रतिभा काची देव कवि शक्ति। तो ये कुंतक का कथन हो जाएगा। क्या अर्थ निकलता है? पूर्व एवं वर्तमान जन्म के संस्कारों से मिली कवित्व शक्ति प्रतिभा है। अगला है, शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। तो ये ममट का कथन यहाँ पर हो जाएगा, इसका भी आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। फिर देखिएगा दोस्तों, आगे आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप एलटी टेट एलटी कमीशन या पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे जो एक टेलीग्राम चैनल है उसके साथ जुड़ सकते हैं। जो इस टेलीग्राम चैनल में ये विशेषता है कि हर एक टॉपिक का पीडीएफ यहाँ पर सेंड किया जाता है, चाहे कोई भी टॉपिक हो। डेली आपको नए नए टॉपिक यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलते हैं, स्टडी मैटर काफ़ी ज़्यादा मिलता है इसमें। पर यह है कि जो ये टेलीग्राम ग्रुप या बैच है, तो इसके आपको मतलब ये पेड बैच है, अगर इंटरेस्ट रखते हो तो इसकी नॉमिनल फ़ीस रखी गई है, बहुत कम फीस रखी गई है। एक साल के लिए आप इसकी मेम्बरशिप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको पहले के और आगे के जितने भी पीडीएफ है उपलब्ध हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है परीक्षा की तैयारी करने हेतु ये टेलीग्राम चैनल, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हो। आप 8219312129 यहाँ पर व्हाट्सएप करके इससे संबंधित जानकारी ले सकते हो। आप यहाँ पर जुड़ कर भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली पढ़ने के लिए कुछ अच्छा मैटर मिलता ही रहता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे पूछा गया है, जहाँ राधा आनंद उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है कहा बापूरो चंद, पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आपके समक्ष यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, रूपक प्रतीप अनन्वय और दीपक। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, विकल्प भी प्रतीप अलंकार यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है। देखिएगा यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में प्रतीप अलंकार होगा, यहाँ देख लेते हैं जो प्रतीप है क्या, कैसा अलंकार होता है। प्रतीप का अर्थात है जहाँ उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बताया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। क्या है दोस्तों? जहाँ उपमेय को उपमान और
उपमान को उपमेय बताया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पंक्ति है, परीक्षा में से सीधे सीधे पूछा जाता है। यह उपमा का उल्टा होता है, किसका? उपमा का ये उल्टा माना जाता है, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, रूपक अलंकार है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी परिभाषा सीधे सीधे पूछी जाती है। जो रूपक अलंकार की परिभाषा है, जहाँ उपमेय और उपमान में पूर्ण समानता बताई जाए, जहाँ उपमेय और उपमान में पूर्ण समानता बताई जाती है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पंक्तियाँ दी गई है, राम नाम मणि दीप धरु जिय देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियारा। तो ये रूपक अलंकार की पंक्ति हो जाएगी। आगे है अनन्वय अलंकार, इसको देख लेते हैं। जहाँ उपमेय की तुलना करने के लिए कोई उपमान ना हो और उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है, तब वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। जैसे मुख के समान सुंदर है, कैसा? देखिए कितना अच्छा यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जो मुख ही मुख के समान सुंदर है, ठीक है। यहाँ पर आपके समक्ष ये नहीं कहा गया है कि मुख चंद्र के समान है, मुख किसी प्रकृति के जो उपासक है, जो प्रतीक है, उसके समान है। यहाँ पर सीधा कह दिया गया है कि मुख ही मुख के समान सुंदर है, या फिर चंद्रमा ही चंद्रमा के समान सुंदर है, इस प्रकार के उदाहरण यहाँ पर लिए जाते हैं, ठीक है। अगला जो है यहाँ पर दीपक अलंकार, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी जो परिभाषा होगी, जब किसी पद में उपमेय अर्थात उपमेय का होता है प्रस्तुत पदार्थ, तथा उपमान, उपमान होता है अप्रस्तुत पदार्थ, दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म होता है, तो वहाँ दीपक अलंकार होता है। फिर से इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। दीपक का तात्पर्य है, जब किसी पद में उपमेय तथा उपमान में दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म होता है, तो वहाँ दीपक अलंकार होता है। जैसे भूपति सोहत दान सो फल भूलन उद्यान, तो इसका ये उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि उपमेय और उपमान क्या होता है। देखिए, मुख चंद्र के समान, ये जो पंक्ति है इसमें जो उपमेय हो जाएगा मुख और जो उपमान हो जाएगा चंद्र। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि उपमान चंद्र होगा और जो उपमेय मुख होगा। इन तथ्यों को ध्यान रखना है, ये भी पूछे जा सकते हैं भविष्य में आपसे। फिर देखिए अगला प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपके समक्ष यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपने चयन करना है कि कौन सा सही होगा। तो जो अभियांत्रिक के लिए शुद्ध शब्द हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका विकल्प सी। अभियांत्रिक इस प्रकार से लिखा जाता है, सी सही विकल्प हो जाता है। आपको शुद्ध शब्दों का ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में आपसे ये प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं, ठीक है। देखिएगा, थोड़ी सी परिभाषा ये दी गई है कि वर्तनी की दृष्टि से अभियांत्रिक शुद्ध शब्द होगा, जिसका अर्थ होता है अंदर घटित होने वाला। क्या अर्थ निकलेगा इसका? अंदर घटित होने वाला, ये इसका अर्थ निकलता है। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तदित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तदित प्रत्यय वाला शब्द नहीं होगा? विकल्प में है शिक्षक, पौरुष्य, मायावी या फिर सजावट। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विकल्प चार, जो सजावट है यह तदित प्रत्यय वाला शब्द नहीं होगा। बाकी जो शिक्षक होगा, पौरुष्य हो जाएगा और मायावी, ये तीनों ही तदित प्रत्यय होंगे, ठीक है। इनका भी आपने ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं ये आपकी परीक्षा के लिए तदित प्रत्यय। तो थोड़ी सी यहाँ पर व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को भी हम देख लेते हैं। आगे आगामी परीक्षा में आपको ये व्याख्या वाले प्रश्न महत्वपूर्ण रहते हैं। देखिएगा, जो सजावट शब्द है ये तदित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। सजावट में क्रीदंत प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा कौन सा प्रत्यय यहाँ पर है, क्रीदंत प्रत्यय। सजावट में सज, जो सज है ये मूल शब्द है और आवट प्रत्यय होगा यहाँ पर। क्या है? सज यहाँ पर मूल शब्द होगा और आवट यहाँ पर प्रत्यय होगा। देखिएगा यहाँ पर प्रत्यय के बारे में परिभाषा दी गई, कुछ पंक्तियाँ दी गई है, ध्यान रखना है आपने। यहाँ से प्रत्यय से प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्रत्यय कहाँ पर लगता है, शुरू में लगता है या फिर अंत में। देखिएगा, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्या है?
प्रत्ययवेश शब्दांश है, शब्दांश पूछा जाता है शब्दांश के बारे में भी। प्रत्ययवेश शब्दांश होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है भविष्य में कि जो प्रत्यय है कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। यहाँ पर देखिए, पहले देखते हैं हम कृत प्रत्यय क्या होता है। क्रिया या धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, किसके बाद, क्रिया या धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जिस प्रकार से सजावट हो गई ना, इसमें भी एक प्रकार की क्रिया या धातु लग रही है, तो जो सजावट है ये कृत या कृदंत प्रत्यय होगा। इसके पश्चात देखिएगा जो तदित प्रत्यय है इसको देख लेते हैं हम। जो तदित प्रत्यय है, ऐसे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त क्रिया या धातु पदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपकी कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय और प्रत्यय के बारे में स्पष्टीकरण हो गया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। पूर्णतः यहाँ पर आपको इतने तथ्य दिए गए थे जिससे आपको यहाँ पर पूर्ण अर्थ निकल ही जाता होगा आपसे। देखिएगा जो शिक्षक है, पौरुष्य है, मायावी है, यह हो जाएंगी आपके तदित प्रत्यय। परंतु जो सजावट है, एक प्रकार से यहाँ पर क्रिया हो रही है या फिर आपकी जो धातु लग रही है, तो इस प्रकार से ये आपका कृदंत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं हम। देखिएगा दोस्तों, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं। वहाँ पर आपको ऐसा है कि डेली तो पीडीएफ नहीं मिलती है, जब भी कोई महत्वपूर्ण पीडीएफ होती है वो आपको दी जाती है। कुछ स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है और हर एक वीडियो का लिंक भी दिया जाता है। अगर आप उसके साथ जुड़ना चाहते हो तो उसके साथ भी जुड़ सकते हो। उन दोनों का आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी डेली पीडीएफ और डेली स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे पेड बैच के साथ जुड़ सकते हैं या फिर हमारा जो पेड टेलीग्राम चैनल है उसके साथ जुड़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है ये आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। अखिल भुवन अचर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु, निम्न पंक्तियों में निहित रस है। तो बताना है कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इसमें कौन सा रस होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जब भगवान श्री कृष्ण अपना मुख खोलते हैं तो माता उनके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड देखकर कुछ हो जाता है। उन्हें बताइए उन्हें क्या होता है, क्या वो अद्भुत रस से भरपूर हो जाती है या फिर भयानक रस से या विभत्स या फिर वात्सल्य रस से परिपूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट हो रहा होगा कि जब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड को देख लेती है तो उनके अंदर अद्भुत रस आ जाता है, ठीक है। तो जो विकल्प ए है यहाँ पर यह सही हो जाएगा। देखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियों में अद्भुत रस है। कैसे अद्भुत रस है, यहाँ पर माता यशोदा द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप मुख में संपूर्ण सृष्टि चर अचर का दर्शन करने के कारण आश्चर्य उत्पन्न होता है कि यार मेरे जो पुत्र है उसके मुख में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो उन्हें आश्चर्य होता है। तो ये सही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है अद्भुत रस के बारे में भी, इसको भी आप स्पष्ट कर लेना क्योंकि भविष्य में यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो अद्भुत रस ये होता है जब किसी व्यक्ति के मन में अद्भुत और आश्चर्य वस्तुओं को देख कर विस्मय आश्चर्य के भाव उत्पन्न होते हैं तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। अगर आपसे पूछा जाए अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, तो यह आश्चर्य होगा। भरत मुनि ने वीर रस से अद्भुत की उत्पत्ति बताई है। अगर कभी विशेष के बारे में भी पूछा जाए कि जो भरत मुनि है ये वीर रस से किस रस की उत्पत्ति मानते हैं, तो ये अद्भुत की जो वीर रस से उत्पत्ति मानते हैं तथा इसका वर्ण पीला और देवता ब्रह्म कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि जो अद्भुत रस में कौन सा वर्ण होता है, तो इसमें पीला वर्ण होता है और इसके देवता कौन है, तो ब्रह्मा इसके देवता हैं। तो इन तथ्यों को भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तथ्य होंगे आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। फिर देखिएगा यहाँ पर रस दिया गया है एक तरफ और दूसरी तरफ स्थायी भाव दिया गया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, कई परीक्षा में इसे पूछा जाता है। मान लीजिए पूछा जाएगा कि जो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव क्या होगा, तो रति हो जाएगा। हास्य रस का क्या स्थायी भाव होगा, हास्य।
करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? स्नेह। यहाँ से एक प्रश्न छोड़ देता हूँ आपके लिए, बताना है वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भय। विभत्स का क्या हो जाएगा? जुगुप्सा। और जो अद्भुत का क्या हो जाएगा? विस्मय। और शांत का क्या हो जाएगा? निर्वेद या शम। तो इनको भी ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर छः है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि से माना जाता है? आपके समक्ष यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा तो उसका चयन आप करिएगा। तो जो सही विकल्प हो जाएगा, जो अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है, जोयिंदु से, तो विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिएगा थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, इसे भी हम देख लेते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ जोयिंदु से माना जाता है। परमात्मा प्रकाश एवं योगसार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं होंगी इनकी? परमात्मा प्रकाश और योगसार। दोनों रचनाएं छठी सदी के धर्म दर्शन, कब की है ये? छठी सदी के धर्म दर्शन और इंद्रिय निग्रह को आधार में मानकर लिखी गई हैं। धर्म दर्शन और इंद्रिय निग्रह इसका विषय है। आगे देखिए हेमचंद्र है। हेमचंद्र अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य, पूछा जाता है कि ये कौन सा धर्म अपना कर रहते थे? जैन धर्म। ये जैन आचार्य थे। इन्होंने प्राकृत की क्या है, इन्हें प्राकृत का पाणिनी कहा जाता है। किसे कहा जाता है प्राकृत का पाणिनी? हेमचंद्र को। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, शब्दानुशासन, जो प्राकृत व्याकरण है, कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, छंदोनुशासन और देशी नाममाला कोश। तो ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी ही जाती हैं। इसके पश्चात आगे है धनपाल को। किसको? धनपाल को मुंज ने। किसने? धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। इनका प्रमुख ग्रंथ है भविष्यत कहा। जो भविष्यत कहा है ये धनपाल की कृति हो जाएगी, ठीक है। और दसवीं शती इसका समय होगा, जिसमें बहुविवाह के दुष्परिणाम, कैसे? जो बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर भी प्रकट किया गया है। तो ये कुछ एक तथ्य यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिए गए, बेहद ज़्यादा ये महत्वपूर्ण थे। फिर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है सात, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता अर्थात सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था? तो विकल्प में है धर्मदास, रविदास, सुंदरदास या रज्ज। तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, सुंदरदास। तो थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं हम, क्या है इसकी व्याख्या? व्याख्या इस प्रकार से है, सुंदरदास संत काव्य परंपरा के सर्वाधिक काव्य कला निपुण शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत थे। पहले तो ध्यान रखना है कि सुंदरदास थे ये संत कवि थे, ठीक है, और ये सर्वाधिक पढ़े लिखे हुए शास्त्रज्ञ और एक तरह से सुंदर विद्वान थे। इनकी जो मतलब जो दिखने की जो दिखता था, इनकी बॉडी की सजावट काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी ज़्यादा लोग इनसे प्रभावित होते थे, इतने सुंदर ये थे। इनका जन्म जयपुर के दौसा में, कहाँ पर? दौसा में, जो कहाँ पर है? जयपुर में है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और कब हुआ था? 1596 ईस्वी में। समय भी याद रखिएगा। और मृत्यु इनकी 1689 में हुई थी, ठीक है। इनके पिता का नाम अगर पूछा जाता तो ये परमानंद खांडेलवाल था। क्या था? परमानंद खांडेलवाल। और सुंदरदास के गुरु का नाम अगर पूछा जाता है तो ये दादूदयाल था। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दादूदयाल सुंदरदास के गुरु थे। यहाँ पर देखिए ज्ञान समुद्र और दूसरी होगी सुंदर विलास। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएँ मानी जाती हैं, तो इनका भी ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। फिर जो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आठ, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? तो पूछा गया है कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? विकल्प में है रोमांच, कंप, विषाद या प्रलय। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, जो विषाद है यह सात्विक अनुभव नहीं होगा। तो सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। तो थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई, इसे भी हम देख लेते हैं।
देखिएगा दिए गए विकल्पों में विषाद की गणना सात्विक अनुभाव में नहीं की गई है। विषाद को कहा जाता है संचारी भाव, ठीक है, संचारी का एक यह भाग होगा विषाद। फिर देखिए आगे है सात्विक अनुभाव की परिभाषा, इसे देख लेते हैं।